दोस्तों आज बात करने वाले हैं 2023 की न्यूली अपडेटेड हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटैग के बारे में कि 2023 यानी कि 2023 में इस गाड़ी में अब E20 और OBD2 का भी सपोर्ट मिलता है तो उसके बाद इस गाड़ी की क्या प्राइस होने वाली है, क्या माइलेज है और ये गाड़ी आपको ऑन रोड कानपुर उत्तर प्रदेश में कितने की पड़ेगी, सब डिटेल आपको इस वीडियो में दूंगा। कितने कलर आते हैं, कितने वेरिएंट है, सब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो में बने रहें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके एक वॉकआउट वीडियो के साथ में। सबसे पहले इसके फ्रंट से अगर शुरुआत करते हैं तो ये इसका है स्पार्कलिंग बीटा ब्लू कलर जो कि काफ़ी सही है। बाकी तीन कलर मिलते हैं एक्सटैग वेरिएंट में आपको और यहाँ से आप इसकी पूरी प्रोफाइल को देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको इसके फ्रंट की लुक देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ से तो आपको मिल जाएंगे ब्लू कलर के इसके हेड के ऊपर में आपको ग्राफिक्स जो कि एक्सटैग के ऊपर में आते हैं, नॉर्मल वाली पे आपको नहीं मिलते हैं। बाकी यहाँ पर एक आपको DRL दे रखी है जो कि आपको नॉर्मल वाली स्प्लेंडर में नहीं मिलती है, ये एक्सटैग में मिलती है क्योंकि यही एक तो इसके प्लस पॉइंट बन जाते हैं एक्सटैग होने का। बाकी हीरो स्प्लेंडर प्लस की यहाँ पर बैजिंग मिलेगी, स्टीकरिंग है ये, यहाँ पर आप देखेंगे व्हाइट कलर में। फ्रंट में आपको इसमें मिल जाता है पूरा हेलोजन बेस्ड का सेटअप जो कि आप यहाँ पर देखते हैं तो हेलोजन बेस्ड है, मल्टी रिफ्लेक्टर थोड़ा दे रखा है। बाकी हेलोजन बेस्ड ही आपको मिलेंगे टर्न इंडिकेटर जो कि आपको मिलने वाले हैं हल्के फुल्के से फ्लेक्सिबल, जो कि ये एक ऐसी बाइक है मतलब कि 100 CC सेगमेंट की जो कि सबसे ज़्यादा सेल होती है। और बाकी यहाँ पर इसकी नंबर प्लेट लगेगी। बाकी फ्रंट में आपको इसमें मिल जाएंगे टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर जो कि इसके फ्रंट के सस्पेंशन दे रखे हैं और हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर होने के साथ साथ ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। बाकी जो इसका मडगार्ड है वो आपको मिलेगा ग्लॉसी ब्लैक कलर का जो कि इसके ऊपर में काफ़ी सेट सूट करता है। बाकी अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो ये पूरी ब्लैक ही तरीके से आप कह सकते हैं, लेकिन ये ब्लू कलर के जो ग्राफिक्स हैं इसके ऊपर में काफ़ी ज़्यादा सूट भी करते हैं क्योंकि आप इसकी पूरी प्रोफाइल को देखिए काफ़ी अच्छी ये लगती है। बाकी फ्रंट मैंने आपको बता दिया सस्पेंशन के बारे में और जो इसका फ्रंट ब्रेकिंग सिस्टम है वो आपको मिल जाता है इसमें 130mm का ड्रम ब्रेक। और इस गाड़ी में आपको डिस्क वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता, केवल ड्रम ही वेरिएंट में ऑप्शन अवेलेबल है। और इसमें मिल जाता है आपको इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग का सिस्टम यानी कि इसको आप कॉम्बी ब्रेकिंग टाइप में भी कह सकते हैं यानी कि ब्रेक लगाने पर दोनों साथ में अप्लाई होती हैं। बाकी इस गाड़ी के फ्रंट की बात करते हैं तो 18 इंचेस के कुछ इस तरीके के अलॉय व्हील हैं। वहीं अगर टायर सेक्शन की बात करें तो 80x100 है यानी कि 8100 सेक्शन का टायर मिल जाएगा। बाकी 18 इंचेस के कुछ इस तरीके के मिलते हैं आपको इसमें अलॉय व्हील जिनका पैटर्न देखने में काफ़ी शानदार सा लुक देता है और 100 CC सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा सेल होने वाली बाइक ये अपनी बन जाती है। बाकी यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिल जाता है और केबल्स वगैरह इसकी यहाँ पर दे रखी हैं। और टैंक की बात करते हैं तो यहाँ पर मिल जाते हैं आपको ब्लू वाले ग्राफिक्स जैसा कि आप देखते हैं। बाकी हीरो का 3D में लोगो मिलेगा क्रोम के ट्रीटमेंट के साथ में जो कि इसके टैंक के लुक को और ज़्यादा इन्हेंस करता है। बाकी मैं आपका अगर डाउट क्लियर कर दूँ तो ये भी E20 फ्यूल तो चलने वाली बाइक अब हो चुकी है। यहाँ पर आप देखते हैं तो E20 का स्टिकर मिलेगा इसके टैंक के ऊपर में यानी कि ये भी E20 फ्यूल तो रन करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बाकी साइड से आप इसकी पूरी प्रोफाइल को देखेंगे तो कुछ ओवरऑल ऐसी है और 165mm की मिलती है आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस। साइड पैनल की बात करते हैं तो स्प्लेंडर प्लस का 3D में लोगो मिलेगा स्प्लेंडर प्लस का, एक्सटैग की बैजिंग मिलेगी और यहाँ पर भी आपको मिल जाते हैं ग्राफिक्स। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ मिल जाएगा, यहाँ पर हीरो की बैजिंग इंजन के ऊपर में। पावर स्टार्ट प्रोग्राम्ड FI वाला इसमें आपको मॉडल है, ये FI इसमें मिलता है गाड़ी में। बाकी यहाँ पर मिल जाएगा क्रैश गार्ड इसका जो कि क्रोम के ट्रीटमेंट के साथ में है। 4 गियर बॉक्स का मिल जाता है आपको कॉन्स्टेंट में इसका सिस्टम। एडजस्टेबल फुटरेस्ट मिल जाते हैं, इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलेगी आपको और पीलन वाले भी आपको एडजस्टेबल ही फुटरेस्ट जिसके मिलने वाले हैं। बाकी यहाँ से भी आप देखते हैं तो पूरी लुक काफ़ी ज़बरदस्त सी निकल के आएगी। और बैक में आपको इसमें मिल जाएंगे 5-स्टेप एडजस्टेबल स्विंग आर्म विद हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक शॉक अब्जॉर्बर जो कि बैक के मामले में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पर मिल जाएगा पूरा आपको इसमें क्लोज में इसका चैन सेट कवर जो कि देखने में काफ़ी शानदार है और इसके हिसाब से काफ़ी सही है। फायर बॉडी का आपको इसका चैन सेट कवर मिलेगा और इसका जो बैक का ग्रैब रेल इसको कहते हैं हम लोग तो ये आपको मिल जाएगी कैरिएज वाली जो कि एक इसका प्लस पॉइंट है क्योंकि ये आपको मेटल में पूरी मिलती है तो मतलब देखें तो काफ़ी ये अपना मजबूत बन जाता है। बाकी इसके सीट की बात करते हैं तो स्टिचिंग मिल जाएगी आपको रेड के साथ में ब्लैक की यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी सही सीट इसकी मिलती है। इसे कंफर्ट की बात करते हैं तो ये भी आपको ज़्यादा हार्ड नहीं मैं कहूँगा लेकिन ठीक ठाक आपको उसमें कंफर्ट वगैरह मिल जाता है। बाकी 785mm की मिल जाती है आपको इसमें सीट हाइट यानी कि 785mm की मिलती है इसमें आपको सीट की हाइट इसकी।
बाकी बैक से बात करते हैं तो कुछ तरीके की टेल लाइट मिलेगी आपको हेलोजन बेस, बाकी यहाँ पर आपको हीरो की बैजिंग मिलेगी, हेलोजन बेस टर्न इंडिकेटर रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं। बाकी यहाँ से अब इसके टायर की ग्रिप को देखेंगे बैक वाली, और वहीं बैक की बात करते हैं ब्रेकिंग सिस्टम की तो वो भी आपको 130mm की मिलने वाली है। बाकी एग्जॉस्ट ऊपर मफलर गार्ड भी आपको मिलता है जब बाइक रेडी होती है बाइक के लिए। बाकी यहाँ पर 80-100 सेक्शन का टायर है, सेम प्रोफाइल आपको मिल रही है फ्रंट के मुकाबले में, फ्रंट में भी आपको वही सेम प्रोफाइल है टायर की, वही बैक में भी है। बाकी आईसीएस मिल जाता है इस गाड़ी में, स्प्लेंडर प्लस एक्स्ट्रा की बैजिंग है, रियर ब्रेक का पैड, और यहाँ पर मिल जाती है किक आपको, पावर स्टार्ट, यहाँ पर भी आपको प्रोग्राम एफआई की बैजिंग वगैरह मिलने वाली है। बाकी यहाँ से आप इसके पूरे हेड हैंडल की डिजाइन को देख लीजिए। टैंक की बात करते हैं तो 9.8 लीटर की मिल जाती है आपको उसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी। बाकी की अगर दिखाता हूँ तो नॉर्मल की है यहाँ पर लगाते हैं, और जो इसका मीटर कंसोल है वो आपको कुछ इस तरीके का मिलने वाला है। तो अगर इसके मीटर की बात करते हैं तो पूरा आपको डिजिटल मीटर कंसोल मिलेगा, और क्रोम की मिल जाती है आपको उसमें पूरी बार हैंडल। इसकी स्विचेस की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको अपर डिपर पासिंग का ऑप्शन नहीं है, टर्न इंडिकेटर है, और हॉर्न का स्विच आपको यहाँ पर मिलेगा। बाकी इसके ब्लैक की फिनिशिंग में लीवर्स मिल जाते हैं जिनकी क्वालिटी ठीक ठाक आपको मिलती है। इस साइड पर एक आपको डेडिकेटेड आईसीएस का स्विच मिलेगा, शेल्फ मिल जाता है, एक्सेलेरेटर के साथ में फ्रंट ब्रेक का लीवर मिल जाता है। बाकी यहाँ से आप मीटर देखेंगे तो यहाँ पर क्रोम का पूरा ट्रीटमेंट मिलेगा, और इस साइड पर आप देखते तो एक डिजिटल में बड़े बड़े अक्षर में आपको मिलता है इसका स्पीडोमीटर। ऑन करके एक बार मैं फिर आपको दिखाता हूँ, अगर तो कुछ इस तरीके से स्टार्टिंग होती है यहाँ पर आपको इसमें हेलो माय हीरो करके वेलकम होता है। बाकी यहाँ पर फील गुड का ऑप्शन मिल जाता है आपको यहाँ पर, और इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन भी मिलता है, यानी कि ये जो मीटर है इसमें कॉल एसएमएस अलर्ट जैसे फीचर भी मिलेंगे। अगर मैं आपको दिखाता हूँ फिर से, ये देखिए कॉल अलर्ट, एसएमएस अलर्ट, मैसेज अलर्ट, और यहाँ पर किलो माइलेज वाला सिस्टम आपको मिल जाता है, यानी कि कितना माइलेज गाड़ी दे रही है चलते समय में। यहाँ पर आप देखते हैं पर किलो एवरेज वाला सिस्टम इसमें मिलता है, ओडोमीटर ट्रिप मीटर मिलता है। बाकी यहाँ से आप इसका ट्रिप मीटर ओडोमीटर को सेट भी कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर एक मोड आपको बटन यहाँ पर दे रखा है। बाकी चेक इंजन है, टर्न इंडिकेटर यहाँ पर मिल जाएगा, गियर वाली लाइट आपको मिल जाएगी, और यहाँ पर लो फील वार्निंग लाइट आपको मिलेगी, उसी के साथ में यहाँ पर आपको मिल जाती है इसकी लाइट वाली ऑप्शन, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर मिल जाएगा आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ, यहाँ पर आप देखते हैं जैसा कि स्टैंड लगा हुआ है, बाकी यहाँ पर आपका शो भी करता है। तो काफ़ी सही इसका आपको मीटर कंसोल मिलने वाला है। तो आपने देखा कैसा आपको इसका मीटर कंसोल मिलता है, जो कि किसी भी, मैं अगर कहूँ अगर किसी में किसी भी 100cc सेगमेंट की बाइक में आपको ऐसा मीटर कंसोल नहीं मिलता है, या फिर आप होंडा साइन 100 की बात करेंगे तो उसमें भी आपको ऐसा मीटर कंसोल नहीं मिलता है। तो चलिए फटाफट से इसके इंजन के बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ से इसकी परफॉर्मेंस निकल के आने वाली है। तो इसमें आपको मिल जाता है 97.2cc का एयर कूल्ड 4-स्टॉक सिंगल सिलेंडर OSC इंजन, जो कि रिलीज करेगा 8.02 PS की मैक्सिमम पावर 8000 RPM पर। बाकी 8.05 NM का टॉर्क रिलीज करता है आपका ये 6000 RPM पर, जो कि इसका पावर फिगर है वो आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। उसी के साथ साथ ये गाड़ी आपको 70-75 तक का आराम से माइलेज निकाल के देने वाली है। बाकी आपने इसकी पूरी लुक को देख ही लिया होगा अभी तक, तो चलिए आप फटाफट से मैं आपको इसकी प्राइस के बारे में बता देता हूँ कि 2023 में क्या इसकी प्राइस पड़ने वाली है ऑन रोड कानपुर उत्तर प्रदेश में। तो ये पड़ जाती है आपको ऑन रोड कानपुर उत्तर प्रदेश में 97,300 रुपीज़ की, यानी कि 97,300 रुपये की ये गाड़ी आपको ऑन रोड कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ जाती है। वहीं अगर मैं आपको इसका शोरूम का एड्रेस दे दूँ तो ये अपना है श्री तिरुपति हीरो, जो कि आवास विकास कल्याणपुर कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और इसका एड्रेस जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, यहाँ से आप आके कोई भी हीरो का प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। सो कुछ ही थी इसकी ओवरऑल वीडियो। सो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, हम लोग ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल पर लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।